अभी तक इस चैनल पे मैं आपको व्हाट्सएप से रिलेटेड बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बता चुका हूँ। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि आपको अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप में किस तरह से अपने व्हाट्सएप को चला सकते हैं, किस तरह से आप एक सिंगल स्मार्टफोन में दो अलग अलग व्हाट्सएप अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं, और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप एक ही व्हाट्सएप अकाउंट को दो अलग अलग स्मार्टफोन में ऑपरेट कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा। वीडियो में बाद में एक साइंस का फैक्ट भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आज का जो लाइक एम है वो है 12 लाइक, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके लाइक एम पूरा कर दीजिए। जिन लोगों ने कल वाली वीडियो नहीं देखी, जो कि मैंने कल टॉपिक पर बनाई थी कि आप एक सिंगल स्मार्टफोन में दो व्हाट्सएप अकाउंट किस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं, वो लोग जाके चैनल पर देख सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि इस तरह की नॉलेजफुल वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से आप दो स्मार्टफोन में एक सिंगल व्हाट्सएप अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर मेरी मोबाइल स्क्रीन में देख सकते हैं, आपको चले जाना है प्ले स्टोर में, वहाँ पर आपको सर्च करना है व्हाट्सकैम प्रो। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद इसको सिंपली ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक वर्ड स्कैन का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको एक यहाँ पे बार कोड मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिए कि ये जो काम आपको करना है ये आपको सेकेंडरी स्मार्टफोन में करना है। ये मेरा सेकेंडरी स्मार्टफोन है और अभी जिस फ़ोन से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो मेरा प्राइमरी स्मार्टफोन है। तो यहाँ पर जब आप ये सब कर देंगे तो आपको इस तरह का एक बार कोड दिखेगा। ये बार कोड आपको अपने प्राइमरी स्मार्टफोन पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्राइमरी स्मार्टफोन के व्हाट्सएप में जाके ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करके वहाँ पे आपको एक व्हाट्सएप वेब नाम से ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर लेना है। और वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका कैमरा ओपन हो जाएगा बारकोड को स्कैन करने के लिए। जब वो बारकोड के स्कैन करने के लिए ओपन हो जाएगा तो आपको सिंपली इस बारकोड को अपने प्राइमरी स्मार्टफोन के कैमरे से स्कैन कर लेना है। जैसे ही स्कैन होगा तो आपके इस स्मार्टफोन में व्हाट्सएप चलने लगेगा, सेम अकाउंट जो आपके प्राइमरी स्मार्टफोन में व्हाट्सएप का चल रहा है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा सेकेंडरी स्मार्टफोन में व्हाट्सएप स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे आपको जिस भी कॉन्टैक्ट से चैट करना है आप उस कॉन्टैक्ट पे क्लिक करके सिंपली इधर टाइप करके चैट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो इसमें एड्स थोड़ा सा ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा जब आप इसको लॉग आउट करना चाहते हैं तो इस वाली एप्लीकेशन से जो आपने सेकेंडरी स्मार्टफोन में इंस्टॉल की है, इस वाली एप्लीकेशन से आप लॉग आउट करने का केवल एक ही तरीका है कि आप इस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दीजिए, उसके बाद ही आप लॉग आउट हो पाएंगे। उसके अलावा जो दूसरा तरीका है इस एप्लीकेशन से लॉग आउट करने का, आप प्राइमरी स्मार्टफोन में दोबारा से व्हाट्सएप वेब पे जाइए और वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा लॉग आउट फ्रॉम ऑल डिवाइसेस, तो आप वहाँ से भी लॉग आउट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आज के साइंस फैक्ट की। हमारा जो चंद्रमा है यानी हमारी पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट, वो हमारी पृथ्वी का एक राउंड पूरा लगाने में, एक चक्कर लगाने में लगभग 27.3 डेज का टाइम लेता है। और अभी जो है हर साल चंद्रमा हमारी पृथ्वी से लगभग 4 सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है, यानी कि एक साल में चंद्रमा जो है वो हमारे पृथ्वी से 4 सेंटीमीटर दूर हो जाता है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आज से 50 अरब साल बाद जो चंद्रमा है उसको पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 47 डेज का टाइम लगेगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा कभी होगा नहीं। अब वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारी पृथ्वी और सूरज की जो एज है उसको पूरा होने में लगभग 5 अरब साल ही बचे हुए हैं। तो हम 50 अरब साल बाद की सोच ही नहीं सकते हैं, यानी कि आज से 5 अरब साल बाद हमारी पृथ्वी और सूरज की एज पूरी हो चुकी होगी और वो ख़त्म हो चुके होंगे। तो बस दोस्तों यही कुछ था आज की इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, जल्दी से लाइक एम टारगेट को पूरा कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।